आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। ये बात 1970 की, जब स्वीडन से आए एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी, वो स्वीडन पहुंच गया। इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा। गाइज, नीट 2020 के एग्जाम में उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने और यूपी की आकांक्षा सिंह ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इसके पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स, यानी कि 720 में से 720 मार्क्स बनाए हों। है ना अमेजिंग? लेकिन सवाल ये है कि शोएब और आकांक्षा दोनों के ही 720 मार्क्स थे, तो फिर शोएब को रैंक 1 और आकांक्षा को रैंक 2 क्यों दिया गया? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन दोनों के बायोलॉजी के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स और फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर किए गए और वो इक्वल थे। और फिर उसके बाद एज का क्राइटेरिया लगाया गया, जिसमें शोएब चूंकि आकांक्षा से बड़े थे तो उन्हें रैंक 1 दिया गया और आकांक्षा को रैंक 2। अब आप इसका रीजन जानते हैं। बहरहाल दोनों ही हमारे लिए टॉपर हैं और दोनों को ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।